आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शैला राव। एक नजर अब तक की खास खबर पर। जिलाधिकारी दीपक रावत ने स्वच्छता सर्वेक्षण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनपद के सभी ग्राम पंचायत को किया जाएगा स्वच्छता के प्रति जागरूक। जिलाधिकारी दीपक रावत ने जिलाधिकारी कार्यालय से स्वच्छता सर्वेक्षण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उक्त वाहन के माध्यम से जिले भर की ग्राम पंचायतों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्वच्छता के विभिन्न मानकों को अपनाकर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत को सम्मानित किया जाएगा। डीएम ने स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 स्वच्छता वाहन को जन जागरूकता हेतु अपने कार्यालय से रवाना किया। यह वाहन ग्राम पंचायतों में स्वच्छता का संदेश देगा। पूरे जनपद भर की ग्राम पंचायतों को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। जो पंचायत स्वच्छता सर्वेक्षण में सर्वाधिक अंक प्राप्त करेगी उसे पुरस्कृत किया जाएगा। सर्वेक्षण 1 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री विनीत तोमर, जिला विकास अधिकारी श्री पुष्पेंद्र चौहान, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री दीपराज अग्निहोत्री, जिला पंचायती राज अधिकारी श्री रमेश त्रिपाठी, पुरेड़ा अधिकारी श्रीमती वंदना, जिलाधिकारी प्रबंधक श्रीमती अंजनी रावत, जिला आपदा प्रबंधक अधिकारी श्रीमती मीरा कैंतुरा सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। मनोज काम्बोज के साथ आकाश सैनी की रिपोर्ट। से ये निवेदन करना चाहूंगा कि 1 से 31 अगस्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का सर्वे किया जा रहा है। ये सर्वे करने के लिए स्पेशली एक टीम आ रही है जो हर ग्राम में जाके भ्रमण करेगी और पूछताछ करेगी। इस बात के भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि आपको स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में पता भी है या नहीं है, तो आपको जरूर उस टीम के साथ खुले रूप से इंटरेक्ट करना होगा, बताना होगा आपके गाँव में क्या क्या हो रहा है। मैं ग्राम प्रधानों से विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास धनराशि कुछ जगह तो हमें मिली है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, कुछ जगह आपके पास 14वें वित्त का पैसा होगा, राज्य वित्त का पैसा होगा। इसमें इस बात के बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं कि पानी गांव में कहीं ठहरा हुआ या नहीं। यदि ठहरा हुआ है तो एक विशेष स्थान में जाए, उसकी निकासी हो। इस बात को भी लेके काफी सारे पॉइंट्स हैं कि जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है वो अलग अलग हो रहा है या नहीं हो रहा है। और सबसे अच्छा तो खैर ये होगा कि कोई हमारी स्थानीय स्तर पर अगर कोई समिति है अगर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक ऐसा काम है बेसिकली जो टीम वर्क से रिलेटेड है। अकेले कोई एजेंसी अकेले स्वच्छता पैदा कर दे रात भर में संभव नहीं है। ये कार्यक्रम लगभग 1 साल से चल ही रहे हैं सभी जगह। तो आपसे निवेदन है कि ये स्वच्छता सर्वेक्षण में आप भाग तो ले ही लें, लेकिन साथ ही साथ अपने गाँव को स्वच्छ बनाए रखने में पूरा पूरा सहयोग दें। इस बात पर भी जरूर ध्यान दिया जाए कि अभी तक जो हमने शौचालय बनाए हैं उनका प्रयोग भी हो रहा है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि टॉयलेट्स बनने के बाद डिसयूज हो जाता है, वो इस्तेमाल नहीं होते हैं। इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। जो हमारे टॉयलेट्स फिर भी छूट गए हैं, जो अब भी नहीं बन पाए हैं, उनको हम मनरेगा में टेकअप कर रहे हैं। तो मनरेगा के तहत ऐसी सारी ड्यू लिस्ट हम बना के रखें, खुली बैठक में इसको अप्रूव कराएं और तत्काल इनको भी हम लोग बनाएं। धन्यवाद।